आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमटी के लालटेन के 587वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। विधानसभा चुनाव बहुत करीब आ चुके हैं। 17 नवंबर को मतदान है, 1 नवंबर को आज हम आपसे रूबरू हो रहे हैं। अब हमारे प्रयास होगा कि हम लगातार चुनाव तक जो भी समीकरण बन बिगड़ रहे हैं उनके बारे में आपसे चर्चा करें। बात की जाए सिवनी जिले की, तो सिवनी जिले में 4 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। पहले 5 विधानसभा क्षेत्र हुआ करते थे, सिवनी, बरघाट, केवलारी, घनसौर, लखनादौन। परिसीमन और पुनरारक्षण में घनसौर विधानसभा विलुप्त हो गई, सिवनी लोकसभा हुआ करती थी, लोकसभा विलुप्त हो गई। अब सिवनी जिले में सिर्फ सिवनी, बरघाट, केवलारी और लखनादौन 4 विधानसभा क्षेत्र बचे हुए हैं। सिवनी की बात की जाए वैसे तो जो भी स्थितियां स्पष्ट होंगी, जो भी परिस्थितियां बनेंगी, वो सारी स्थितियां परिस्थितियां निर्मित हो पाएंगी 2 तारीख को नाम वापसी के उपरांत, जब नाम वापसी का समय समाप्त हो जाएगा और उसके बाद सिंबल अलॉटेड होंगे, जो चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे, तब ये पूरा सिनेरियो स्पष्ट हो पाएगा। सिवनी में फिलहाल जो स्थिति दिख रही है, कांग्रेस भाजपा, कांग्रेस और भाजपा के बीच में मुख्य ये कहा जाए कि कांग्रेस भाजपा ही सिवनी में नीति निर्धारक रहे हैं प्रत्याशी, और उसके अलावा गोंडवाना गणतंत्र पार्टी या निर्दलीय दिनेश राय एक बार जीते हैं। अगली बार उन्हें भारतीय जनता पार्टी की ओर से टिकट दिया गया और वे भाजपा के टिकट से चुनाव लड़े, विजयी हुए। वर्तमान में युवा, अपेक्षाकृत युवा आनंद पंजवानी कांग्रेस से हैं, भारतीय जनता पार्टी से दिनेश राय 2 बार के विधायक हैं, और इसके अलावा देखा जाए तो रंजीत वासनिक, जो गोंडवाना की तरफ से उन्होंने पर्चा दाखिल किया है। बरघाट की अगर बात करें, पहले हम सिवनी में आपको बता दें कि जो गोंडवाना बहुत ज्यादा प्रभावकारी अभी तक नहीं रही। बरघाट में आदिवासी बाहुल्य सीट बरघाट है और आदिवासियों का वर्चस्व है, वहां से कमल मस्कोले भारतीय जनता पार्टी से विधायक है, 2 बार विधायक रह चुके हैं, और बरघाट का कोई ऐसा सिनेरियो नहीं है जैसा सिवनी का है कि 2 बार से 3 बार कोई विधायक जीत नहीं पाए। अगर दिनेश राय सिवनी से जीतते हैं तो एक मिथक टूटेगा और 1990 के बाद सिवनी विधानसभा से कोई कांग्रेस का उम्मीदवार नहीं जीता है। आनंद पंजवानी अगर जीतते हैं तो लगभग 1990 के बाद, लगभग 33 साल के बाद यहां कोई विधायक जीत पाएगा कांग्रेस का। बरघाट में डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन लगातार विधायक रहे, वे मंत्री भी रहे। कमल मस्कोले दूसरी बार चुनाव वहां से लड़ रहे हैं, तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं, माफ कीजिएगा, पिछली बार उन्हें उनकी टिकट उन्हें नहीं दी गई थी, उनकी बजाय टिकट बदली गई थी, जिससे कांग्रेस का परचम वहां लहरा गया। बरघाट में आदिवासी और पिछड़ा किस करवट वे बैठते हैं ये देखना होगा। केवलारी की अगर हम बात करें तो केवलारी में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, अगर इन दोनों का देखा जाए तो विमला वर्मा बहुत लंबे समय तक वहां से विधायक रही और वे मंत्री भी रही। हरमन सिंह लगातार विधायक रहे, वे मंत्री भी रहे। नेहा सिंह एक ही बार वहां से विजयी हुई, भारतीय जनता पार्टी की थी। राकेश पाल सिंह 2018 में भारतीय जनता पार्टी की ओर से आए और वे विजयी हुए। तो कुल मिलाकर जो स्थितियां हैं वो अगर आप केवलारी में देखें तो केवलारी में जो गोंडवाना का प्रभाव कुछ ज्यादा दिखाई देता है। गोंडवाना के प्रस्तावक नहीं होने से केवलारी में गोंडवाना का पर्चा निरस्त हो गया है और अभ्यर्थी वहां पर गोंडवाना के अभ्यर्थी का पर्चा निरस्त हो गया है। निर्दलीय रूप से भी एक वहां पर खड़े हुए हैं, जो ये कहा जाए कि गोंडवाना से ही बगावत करके आए।
लखनादौन में विजय उइके भारतीय जनता पार्टी से खड़े हुए, पिछली बार भी वे थे, और उसके अलावा कांग्रेस से रणदीप सिंह, योगेंद्र सिंह, बाकी का योगेंद्र सिंह, कांग्रेस का डोमिनेटिंग सीट रही है लखनादौन। लखनादौन में लगातार ही कांग्रेस विजय होती आई है और वहां शशि ठाकुर दो बार जीते हैं जो भारतीय जनता पार्टी से रही। अब वहां क्या स्थिति बनती है, क्या सिनेरियो बनता है देखना होगा। चुनाव बहुत रोचक दौर में पहुंच सकता है नाम वापसी के बाद। वैसे चुनाव में जो गहमा गहमी होनी चाहिए वो गहमा गहमी नहीं दिख रही है। 1 नवंबर आज है और 1 नवंबर के बाद 17 तारीख को चुनाव है। 1 नवंबर आज बीत रही है, 17 तारीख को चुनाव है, अर्थात अब महज 16 दिन बचे हैं, जिसमें से 5 दिन दीप पर्व के, नरक चौदस, दीपावली, धनतेरस और भाई दूज, ये 4-5 दिन त्योहारों में निकल जाएंगे। तो 16 में से 5 दिन अगर आपके निकल गए तो लगभग 11 दिन प्रत्याशियों के पास अब बचे हैं, सिर्फ 11 दिन रह गए। प्रचार में वो तेजी नहीं दिखाई दे रही। ये कहा जाए कि पहले जब चुनाव हुआ करते थे तो हर मोहल्ले में एक रिक्शा चला करता था, कुछ ऑटो चला करते थे, गाजे बाजे बजते थे, वो सारी चीजें हम नहीं देखें। लोगों को बहुत प्रत्याशियों के लिए राजनीतिक दल इधर उधर दिख रहे हैं। मीडिया में भी, सोशल मीडिया में भी बहुत ज्यादा इस तरीके का नहीं दिख रहा है कि चुनाव 17 तारीख को है और चुनाव में महज 16 दिन बचे हैं, जिसमें 5 दिन त्योहार के निकल जाएंगे, 11 दिन, सिर्फ 11 दिन बचे हैं। प्रत्याशी किस उम्मीद में है, भीतराघात कहाँ होगा, भीतराघात होगा अथवा नहीं होगा, ये सारी चीजें अभी भविष्य के गर्व में ये सारी चीजें हैं। भीतराघात हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, होगा तो किस तरह से होगा, प्रत्याशी, जो भी प्रत्याशी हैं, वे प्रत्याशी कैसी ताकत झोंकेंगे, क्या करेंगे, ये सारी चीजें भविष्य के गर्व में। इस बारे में 2 तारीख को, 2 नवंबर को नाम वापसी के बाद जो भी स्थितियां इस पर सामने आएंगी, वे उन स्थितियों से हम आपको रूबरू कराने का प्रयास जरूर करेंगे। कांग्रेस, भाजपा किस तरह से, या अन्य राजनीतिक दल, निर्दलीय प्रत्याशी किस तरह से चुनाव में अपने मतदाताओं को लुभाते हैं, ये भी अभी कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि चुनाव में अभी जोर नहीं पकड़ा है, ऐसा लोगों का कहना है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में लिमिटेड के लालटेन के 587वें एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगर आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में लिमिटेड के लालटेन देखना चाहते हैं तो आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की वेबसाइट या साई न्यूज के न्यूज चैनल पर इसे देख सकते हैं। रोजाना 7:00 बजे इसका प्रसारण होता है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सहयोगी अखिलेश दुबे के साथ लिमटी की लालटेन का 588वां एपिसोड लेकर बहुत जल्द हाजिर होंगे। फिलहाल इजाजत लेना चाहेंगे। जय हिंद।